सब्सक्राइब करें श्री बुटीक को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें। नमस्कार दोस्तों, श्री बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए अम्ब्रेला कमीज की कटिंग लेकर के आया हूँ, जिसके लिए यहाँ पे मैंने ये मेन जो फैब्रिक है हमारे पास, ये फैब्रिक लिया हुआ है। अम्ब्रेला कमीज के लिए कम से भी कम हमें 3.5 मीटर कपड़ा चाहिए होता है, जो कि हमारे पास ये प्रिंटेड कपड़ा है। तो सबसे पहले हमें नाप जानना होता है। नाप मैंने यहाँ पे इस प्रकार से नोट किया हुआ है, मैं आपको नजदीक से दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे जो लेंथ आएगी हमारी 45 तैयार आएगी। ब्रेस्ट का नाप होगा 36। स्लीवलेस हमें यहाँ पे कमीज कटिंग करनी है, तो 1 इंच की ही लूजिंग दी जाती है स्लीवलेस में, हमने 37 रखना है, जो कि तैयार नाप हमारा फ्रंट का आएगा 18.5। वेस्ट 30 है, तो वेस्ट में हम 3 इंच की लूजिंग रखेंगे, तो ये हो गया 33। हाफ हिस्सा आएगा 16.5। गला हमारा कोट कॉलर वाला होगा, हाई नेक जिसको बोलते हैं, और स्लीव लेस हमारा ये कुर्ता होगा, कुर्ती जो बनाएंगे स्लीव लेस होगी। इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये नाप है। प्रिंटेड कपड़े के ऊपर ज्यादातर क्या होता है, निशान नजर नहीं आते, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक ये चार्ट लिया हुआ है, जिसमें से हम बॉडी का पार्ट कटिंग करेंगे, फिर मेन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए मेन फैब्रिक कटिंग करेंगे। तो दोस्तों ये जो हमने पेपर लिया है, इसमें सबसे पहले हमें बॉडी के निशान लगाने हैं। यहाँ पे दोस्तों जो पेपर लिया है, सबसे पहले हमें यहाँ पे लेंथ देखनी है, बॉडी की लेंथ, जो ऊपर की चोली होती है उसकी लेंथ हमें कितनी कटिंग करनी है। तो हमें 14.5 इंच यहाँ पे तैयार चाहिए बॉडी की लेंथ। तो हमें यहाँ पे जो निशान लगाना है 15.5 इंच पे लगाना है, 1 इंच एक्स्ट्रा, 14.5 से 1 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे 15.5 के ऊपर। ये 15.5 क्यों लगाएंगे, 0.5 इंच हमारा ऊपर का मार्जिन हो जाता है और 0.5 इंच हमारा नीचे का मार्जिन हो जाता है। तो 0.5 इंच दबने के बाद हमारा 14.5 इंच तैयार आएगा यहाँ पे, तो इसलिए हमने 15.5 पे निशान लगाया है। अब आ जाता है हमारा, जैसे स्लीवलेस पीस है तो 6 इंच पे निशान बनता है, लेकिन यहाँ पे हाई नेक भी है, तो इसलिए हम यहाँ पे जो निशान लगाएंगे 7.5 इंच पे लगाएंगे। ये हमने 7.5 पे निशान लगाया है। इन निशानों को हम इस प्रकार से सीधा कर लेते हैं। ये ऊपर का हमारा शोल्डर वाला निशान हो गया और ये हमारा ब्रेस्ट वाला निशान हो गया। नीचे हमारा जो वेस्ट का साइज होगा, यहाँ पे हमारा लास्ट में वेस्ट का साइज आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हम निशान लगाते हैं, जैसे हमने ऊपर से रखना है 18.5, तो हम यहाँ पे 9.25 इंच पे मार्क करेंगे इस प्रकार से। वेस्ट है हमारी 16.5, तो यहाँ पे 8.25 इंच पे मार्क करेंगे इस प्रकार से। इस निशान को ब्रेस्ट वाले निशान से आपस में मिला लेते हैं। आगे की साइड तकरीबन 2 से 2.25 इंच का मार्जिन रखते हैं फ्यूचर में लूज टाइट करने के लिए इस प्रकार से। अब आ जाता है हमारा शोल्डर। यहाँ पे दोस्तों देखो, शोल्डर वाली मेन चीज क्या होता है, जैसे हम स्लीवलेस कुर्ती में थोड़ा ज्यादा ही शोल्डर कटिंग किया जाता है, कम शोल्डर कभी भी नहीं करना होता है। और यहाँ पे ये हाई नेक भी है, तो हम यहाँ पे जो शोल्डर की कटिंग करेंगे 7.25 इंच की करेंगे। 7.25 लिया है, नीचे भी हम 7.25 पे इस प्रकार से मार्क करेंगे, और एक निशान अंदर की साइड 0.25 इंच पे मार्क करेंगे इस प्रकार से। जो अंदर वाला निशान है उसको हम ऊपर शोल्डर के निशान से इस तरीके से जोड़ लेते हैं। ये हमने ऊपर वाले निशान पे जोड़ लिया है। अब आ जाती है यहाँ पे गोलाई वाली बात, गोलाई कैसे देते हैं। मेन चीज मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे गोलाई किस तरीके से दी जाती है। यहाँ पे जो हमारा बिल्कुल सीधा निशान आता है ये वाला, इसको यहाँ पे हम इस तरीके से टच करते हैं इस निशान से, जहां पे भी ये इस निशान पे टच होता है बिल्कुल सीधा, ये होगा यहाँ पे इस प्रकार से टच यहाँ पे हो जाता है ऐसे। अब हमें यहाँ पे गोलाई देनी है, तो गोलाई हम इस निशान के और इस निशान का जहां पे सेंटर आता है, यहाँ पे सेंटर आएगा, यहां से स्टार्ट करेंगे। स्लीवलेस की बात कर रहा हूं, यहाँ पे इस प्रकार से, इस तरीके से यहाँ पे हम गोलाई देंगे। अगर यहाँ पे हमें बाजू लगानी होती तो हमारी गोलाई यहाँ पे कैसी होती, मैं आपको दूसरे निशान से लगा के दिखाऊंगा। मतलब बाजू लगानी हो तो ये वाली गोलाई हमारी कंप्लीट है, जो मैंने नीली निशान से लगाई है, और बाजू नहीं लगानी है, स्लीवलेस बनाना है, तो हमारी ये वाली गोलाई ठीक है। आपने इन चीजों का ध्यान रखना है। अब हमें
यहाँ पे आ जाती है शोल्डर वाली बात। जैसे शोल्डर में हमें गले की ब्रॉड लेंथ, गले की जो ब्रॉड लेंथ रखेंगे 2.75 इंच रखेंगे, और यहां से जो शोल्डर डाउन करेंगे तकरीबन 1 इंच करेंगे, 1 से 1.25 इंच भी डाउन कर सकते हैं। इस प्रकार से इन निशानों को एक दूसरे से मिला लेते हैं ऐसे। तो दोस्तों फ्रंट के निशान ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसी पैटर्न में हमें बैक साइड के निशान भी कटिंग करने हैं। तो बैक के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले आधा आधा इंच ऊपर की साइड इसको इस तरीके से कट कर लेते हैं, निशान लगा लेते हैं ऐसे इस प्रकार से। अब हमें जो शोल्डर वाला निशान है हमारा ये वाला, ये शोल्डर वाला, इस निशान से ये सीधा निशान आता है हमारा, तो हमें बाहर की साइड एक निशान लगाना है। यहाँ पे मैं निशान चौक से लगाना चाहूंगा यहाँ पे, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, 1.25 इंच के ऊपर, और 1.25 इंच निशान को हम ऊपर वाले निशान से इस प्रकार से जोड़ लेते हैं ऐसे। और यहाँ पे भी हम बिल्कुल पड़ी हुई गोलाई डालेंगे, खड़ी गोलाई आपने कोई भी नहीं डालनी है। ये हमारे कंप्लीट निशान हो गए बैक वाले। हमें पहले बैक साइड की कटिंग करनी है, फिर हम इसी में से फ्रंट निकालते हुए फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे। यहां पे हम बैक वाले निशान के ऊपर कट कर लेते हैं ऐसे। अब हमारे पास जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर कटिंग करेंगे। यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से हमने कपड़े का फोल्ड लगा लिया है साइज के अकॉर्डिंग। अब हम यहाँ पे इस प्रकार से रखेंगे पैटर्न ऊपर की साइड ऐसे। आप चाहे तो यहाँ पे निशान लगा लें और चाहे तो साथ साथ कटिंग कर लें, जैसे आपकी इच्छा है। प्रकार से मैंने यहाँ पे ये निशान कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम पैटर्न को उठा देते हैं और यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं इस प्रकार से। इस तरीके से दोस्तों हमने बैक साइड की यहाँ पे कंप्लीट कटिंग कर ली है। ये हमारी बैक साइड होगी। अब हमें फ्रंट की कटिंग करनी है। तो फ्रंट की कटिंग के लिए अब हम फिर से पैटर्न लेंगे यहाँ पे, और जो हमने निशान फ्रंट वाले लगाए हैं उनके ऊपर इस प्रकार से कट कर लेते हैं इस तरीके से। इस प्रकार से हमने यहाँ पे फ्रंट साइड के यहाँ पे गोलाई भी डाल दी है आर्म होल में, और ऊपर से भी कटिंग कर ली है। अब दोस्तों पिछली बार जब मैंने इस तरीके की वीडियो बनाई थी हाई नेक वाली, या मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं, तो ये चीज पूछी जाती है आपने बैक साइड आधा इंच या 1 इंच बड़ी क्यों कटिंग की है। तो मैं आपको बता दू, ये जो हम बैक साइड कटिंग करते हैं ये इसलिए करते हैं कि जैसे सपोज करो, एक तो मेन चीज होती है जो वुमन होते हैं तो उनके क्या होता है कि फ्रंट हैवी होता है और बैक साइड स्लिम होती है, मतलब बैक साइड फ्लैट होती है और फ्रंट अलग से उगा होता है। तो इसलिए ये हमें बैक साइड बड़ी कटिंग करनी होती है, ताकि ये पीस हमारा हल्का सा आगे पीछे ना जाए। जैसे आपने देखा होगा कि हमारा गला पीछे की साइड भागता है या आगे की साइड भागता है, तो इसका मेन रीजन क्या होता है, जैसे हम यहाँ से आर्म होल नापते हैं इस प्रकार से, टोटल हो गया हमारा यहाँ पे 7.25 इंच। और अगर हम बैक साइड नापेंगे यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे यहाँ पे, और हम एक्स्ट्रा नहीं कटिंग करते हैं, तो हमारा सेंटर पॉइंट आउट हो जाएगा। अगर हम बैक साइड यहाँ पे बड़ी काटते हैं यहाँ पे आधा इंच इस प्रकार से, और यहां से हम नापना शुरू करेंगे इस तरीके से टोटल, तो यहाँ पे भी हमारा सेम उतना ही मेजरमेंट आएगा जैसा हमारा फ्रंट का है 7.75 इंच। ऐसे ही बैक साइड का भी बराबर हिस्सा आएगा, फ्रंट बैक सेम होने चाहिए गोलाई के आकार में। तो इसलिए बैक साइड बड़ी काटी जाती है, और बैक साइड बड़ी काटने की वजह मेन ये होती है कि हमारा गला पीछे की साइड नहीं जाएगा बिल्कुल भी।
और फ्रंट की कटिंग अब हम मेन फैब्रिक के ऊपर करेंगे। फ्रंट कटिंग के लिए भी हमने यहाँ पे इस प्रकार से फोल्ड लगाते हुए कपड़े का और ऊपर की साइड ये पैटर्न रख लिया है। अब हम पैटर्न के साथ साथ यहाँ पे इस प्रकार से निशान लगा लेते हैं जैसे हमने बैक साइड में लगाए थे। इस तरीके से हमने फ्रंट के भी निशान कंप्लीट कर लिए हैं। इन्हीं निशानों के ऊपर हम कट कर देते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने फ्रंट बैक की दोनों बॉडी अपनी कटिंग कर ली है। ये हमारी बैक साइड होगी और ये हमारे पास फ्रंट होगा। अब फ्रंट बैक की बॉडी के बाद नीचे का हमारे जो लेंथ आती है अम्ब्रेला शेप वाली, अब हम अम्ब्रेला फ्रॉक वाली कटिंग करेंगे नीचे की। नीचे के घेर के लिए दोस्तों हमने यहाँ पे कपड़े की फोल्ड लगा ली है। अब मैं सबसे पहले आपको कपड़े की फोल्ड लगाना बताता हूँ कैसे मैंने यहाँ पे कपड़ा फोल्ड करके अच्छे से सेट किया है। मैं आप पेपर के द्वारा यहाँ पे आपको समझाऊंगा किस तरीके से हमें फोल्ड लगाना होता है। जैसे हमारे पास जितनी लंबाई वाला आगे की साइड कपड़ा बचता है, जैसे ये मैंने पेपर लिया हुआ है, एक साइड इसकी चौड़ाई ऐसे होगी और लंबाई इसकी इस तरीके से होगी, तो इसको पूरी लंबाई को हम इस प्रकार से डबल फोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पे ये इस तरीके से हमने एक बार डबल फोल्ड कर लिया है। इसको डबल फोल्ड करने के बाद हम कोई सा भी ये वाला या ये वाला कोई सा भी कोना लेते हैं तो यहाँ पे इस प्रकार से इसको ऐसे फोल्ड करते हैं इस तरीके से। यहाँ पे हमारा इस प्रकार की यहाँ पे ये सेव आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जितनी हमारी वेस्ट का नाप होता है, यहाँ पे इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये फोल्ड लगा लिया है। मैं आपको पेपर पे भी बताऊंगा और फिर कपड़े के ऊपर भी दोबारा समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। फोल्ड करने का तरीका मैंने बताया है, ऐसे पूरी लेंथ वाला हमारे पास ये पीस है, इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद हम फिर भी एक कोना लेते हैं और एक कोने को इस प्रकार से ट्रायंगल शेप में इस तरीके का फोल्ड लगा लेते हैं, तो इस प्रकार की हमारी यहाँ पे सेव आ जाती है। अब हमें क्या करना होता है, जैसे हमारा यहाँ पे जो साइज होता है कमर का, यहाँ पे जो कमर का साइज है 16.5 इंच है, तो यहाँ पे 8.25 इंच आता है, तो जहां पे भी हमारा 8.25 इंच आता है इस पॉइंट पे, यहाँ पे 8.25 इंच पे इस तरीके से हमें निशान लगाना है 8.25 इंच पे। आगे की साइड हमारे पास तकरीबन 3 इंच कपड़ा बचना चाहिए और यहाँ पे हम इस प्रकार की राउंड शेप डाल देते हैं इस तरीके से, इस प्रकार की हल्की सी तकरीबन 1.5 इंच ऊपर की साइड, और इसी राउंड शेप के ऊपर हमें यहाँ पे कटिंग करनी होती है ऐसे, जिसमें हम यहाँ पे ये कमर वाला पार्ट ज्वाइंट कर सके इस तरीके की गोलाई में। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ऊपर की साइड जैसे हमने चोली 14.5 इंच रखी है ऐसे निकाल लेना है, और जितनी हमारी लेंथ आती है, जैसे मैंने 45 इंच रखी है, तो यहाँ पे हमें निशान लगाना है 45 में तकरीबन 2 इंच प्लस करते हुए 47 के ऊपर। तो जैसे हमारा 47 यहाँ पे आता है, 47 यहाँ पे, तो इसी प्रकार हम यहाँ पे भी दूसरी साइड से 47 पे निशान लगाते हैं यहाँ पे इस प्रकार से, और यहाँ पे हम गोलाई डाल देंगे इस तरीके की। अगर ज्वाइंट वाली बात है तो ऊपर वाला जो पल्ला होगा हमारा इसमें जोड़ लगेगा, तो हम यहाँ पे ज्वाइंट भी डाल सकते हैं। इसी गोलाई के ऊपर हम यहाँ पे कट करेंगे। ये छोटा पेपर है, वैसे अगर बड़ा जैसे कपड़े के ऊपर हम कटिंग करते हैं तो काफी कपड़ा बचता है, जो आगे का हमारे पास कपड़ा बचेगा उसी में से यहाँ पे हम ज्वाइंट डाल देंगे इस प्रकार से। यहाँ पे ज्वाइंट डालने के बाद हमारा पूरा घेर यहाँ पे इस तरीके से तैयार हो जाएगा ऐसे। ये सिर्फ मैंने आपको एक पेपर के ऊपर दिखाया है, तो शेप जो आएगी हमारी यहाँ पे इस प्रकार की, यहाँ पे हमारी शेप बहुत प्यारी सी आ जाएगी इस तरीके से पूरे घेर के अनुसार। अब मैं आपको मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग बताऊंगा।
ये थोड़ा सा एक फोल्ड करने का मैंने आपको आइडिया दिया था। अब जो हमारे पास मेन फैब्रिक है मैंने सेम इसी तरीके से ये फोल्ड किया है जैसे मैंने पेपर करके दिखाया आपको। अब आ जाते हैं हम मेन फैब्रिक के ऊपर। मेन फैब्रिक में दोस्तों हमने क्या करना है, यहाँ पे जो हमने चोली ऊपर की कटिंग की हुई है उसको इस पॉइंट पे ले आते हैं हम यहाँ पे इस प्रकार से बिल्कुल सीधी इस तरीके से ले आते हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया था तो पूरा हमारा आगे की साइड यहाँ पे हमारी ज्वाइंट हो गई, कमर तैयार आएगी तो आगे की साइड तकरीबन 2 से 2.5 इंच हमारे पास कपड़ा बचना चाहिए। हम यहाँ पे बिल्कुल सीधा इस प्रकार से एक मार्क कर लेते हैं, बिल्कुल सीधा ऊपर का बॉडी वाला पार्ट रखते हुए ऐसे इस प्रकार से हमने सीधा मार्क कर लिया है। अब इसमें हम गोलाई देंगे तकरीबन ऊपर की साइड यहाँ पे एक निशान लगाएंगे 1.25 इंच का, ये 1.5 इंच भी कर सकते हो आप, 1.25 इंच भी कर सकते हो। और यहाँ पे इस प्रकार की हम गोलाई डालेंगे ऐसे। अब जो हमने गोलाई दी है सबसे पहले हम इसके ऊपर कटिंग कर लेते हैं ऐसे, और यहां से नाप के देखेंगे जैसे हमें 16.5 इंच यहाँ पे कमर रखनी है तो हम यहाँ पे इस प्रकार से 16.5 इंच पे इस तरीके से गोलाई में हल्का सा गोलाई करते हैं, इंच पे निशान लगा लेते हैं यहाँ पे इस प्रकार से, यहाँ पे हमारा ये ज्वाइंट आएगा इस तरीके से। अब ऊपर की साइड हमने रखा हुआ है 14.5 इंच चोली का पार्ट, तो यहाँ पे हम 14.5 इंच इस प्रकार से रखेंगे ऐसे 14.5 इंच पे, 1/2 इंच का यहाँ पे मार्जिन ले लिया है हमने। और जितनी हमारी लेंथ है जैसे 45 लेंथ है हमारी तो हम यहाँ पे 47 पे इस प्रकार से निशान लगाएंगे ऐसे। और जिस गोलाई में यहाँ पे हमारा आता है चिटेप इसी तरीके से हम इस गोलाई में यहाँ पे 47 पे बार बार निशान लगाते जाएंगे सभी जगह से इस प्रकार। इन सभी निशानों को हम एक दूसरे से इस प्रकार से जोड़ लेते हैं। सिर्फ हमारा यहाँ पे छोटा सा जोड़ आता है हल्का सा, ये भी हम यहाँ पे जो आगे से कपड़ा बचेगा उसमें से कटिंग कर लेंगे। इसी निशान के ऊपर यहाँ पे हम कट कर देते हैं ऐसे, इस साइड से बिल्कुल सीधी कटिंग करेंगे जिससे चारों पल्ले हमारी इकट्ठे कटिंग हो जाए और कन्नी बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। हर पीस में आपको कन्नी कटिंग करके चलना होता है क्योंकि कन्नी खींच मारती रहती है तो फिर क्या होता है अम्ब्रेला शेप जो होता है एक साइड जिस साइड कन्नी आएगी उस साइड से खींचा हुआ ऊपर की साइड चढ़ा हुआ रहेगा, इसलिए आपने इस प्रकार की यहाँ पे कटिंग करनी है पूरी गोलाई के साथ में। अब यहाँ पे हम छोटा सा जोड़ लगा लेंगे, जोड़ के लिए मैंने छोटा सा पीस लिया है यहाँ पे इस प्रकार से इसको रखेंगे ऐसे, और इसी शेप के अनुसार नीचे वाले कपड़े की शेप के अनुसार यहाँ पे इस तरीके से कट करेंगे। इस प्रकार से नीचे का घेर दोस्तों हमने यहाँ पे कंप्लीट कटिंग कर लिया है, ऊपर की बॉडी यहाँ पे इस प्रकार से आएगी। यहाँ पे आपको बॉडी में क्या करना है, सिर्फ एक पैर का यहाँ पे गोलाई डालनी होती है इस तरीके से फ्रंट और बैक के अंदर, ताकि यहाँ पे जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छे से आए इस प्रकार से। इस प्रकार दोस्तों मैंने ऊपर की साइड यहाँ पे पैटर्न कर रखे और यहाँ पे नीचे ये हमारा जो फ्रॉक स्टाइल है नीचे घेर वाला पीस रखते हुए यहाँ पे दिखाया आपको। कमर की बात करें तो यहाँ पे 16.5 हमारा फिक्स आएगा, आगे की साइड मार्जिन रह जाएगा। और यहाँ पे जब हम इसको जोड़ेंगे दोस्तों यहाँ पे जोड़ने के बाद ये बिल्कुल सीधा इस तरीके से हो जाता है ऐसे बिल्कुल सीधा, हल्की गोलाई यहाँ पे आपको नजर आ रही है लेकिन जोड़ने के बाद यहाँ पे बिल्कुल सीधा हो जाएगा जब हम इसको यहाँ पे इस प्रकार से ज्वाइंट करेंगे इस तरीके से, बड़ी ही फिनिशिंग के साथ और बड़ी ही मतलब हर तरीका मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। स्टिचिंग में आपने क्या करना है, एक पैर का मार्जिन लेना है यहाँ पे। स्लीवलेस हमारी यहाँ पे कुर्ती होगी और ऊपर की साइड हम यहाँ पे हाई नेक बनाएंगे, हाई नेक बनाने कोट कॉलर जिसको बोलते हैं कोट कॉलर वाला स्टाइल यहाँ पे देंगे, बहुत प्यारा सा पीस होगा यहाँ पे हमारा। और यहाँ पे शेप हमारी मतलब बहुत अच्छी आएगी यहाँ पे इस तरीके से, फुल घेर तैयार हमने किया है। अगर टोटल घेर की बात करें तो यहाँ पे हम इस साइड से नापते हैं जो टोटल घेर आएगा हमारा यहाँ पे
33 आ रहा है, तो 33 को हम अगर चार भाग से गुना करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 110 इंच का हमारा टोटल गेयर यहाँ पे तैयार आता है। 110 इंच का तकरीबन हमारा यहाँ पे गेयर तैयार आएगा, जो कि फुल गेयर होता है एक कुर्ती के लिए, अम्ब्रेला शेप के लिए। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।